नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड-19 के जो इम्पैक्ट हैं एजुकेशन अब्रॉड के ऊपर, वो किस तरीके से होने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मेन कंसर्न्स क्या है, उनके मेन क्वेश्चंस क्या है, और उससे भी ज़्यादा उनके मेन डाउट्स क्या है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पोस्ट कोविड-19 क्या स्कीम्स होने चाहिए, किस तरीके के उनके प्लान होने चाहिए, और किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं भले वो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हों, पर उनके लिए भी कोई कॉन्क्रीट सपोर्टिंग प्लान अगर होना चाहिए तो वो कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसमें अगर एग्जिस्टिंग कोई प्लान है तो उसमें किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो उनके स्टूडेंट्स को, या तो एग्जिस्टिंग या तो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको होना है, उनकी स्टडीज़ के ऊपर होना चाहिए, और उनके फाइनल एग्जाम्स हैं या तो फिर उनकी जो डिग्रीज हैं उसके ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली और मेजर चीज़ जो हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी वो थी सेफ एनवायरनमेंट। अब सेफ एनवायरनमेंट मतलब हमने देखा कि इंश्योरेंस तो आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस में आपका ट्रीटमेंट कवर होने चाहिए। एट द सेम टाइम आप जिस लोकेशन पे रहते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर हॉस्टल में, हॉस्टल के बाहर प्राइवेट अपार्टमेंट्स लेके रहते हैं, उनको तो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्टल्स की जो एकोमोडेशन फैसिलिटी है उसमें आपने सैनिटाइजेशन अच्छे तरीके से करना चाहिए। एट द सेम टाइम आप जो लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। कोई वर्कशॉप्स है, हॉस्पिटल्स है, जितनी भी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंडर आपके लेक्चर्स के लिए आती है, वो जितने जोन हैं सारे आपके लिए सेफ होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए। एट द सेम टाइम आपको अगर कुछ बीमारी हो रही है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी ने आपको हेल्प करनी चाहिए। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है आपके क्लासेस या ट्यूशंस का। अभी के डेट में जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी लॉकडाउन में हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई वेब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या तो फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास ऑलरेडी इस तरीके के बैकअप प्लान रेडी हैं, या तो उन्होंने खुद के कोई मॉड्यूल्स रेडी किए हैं, हाँ कि अगर कल को फिर से अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम हमारे स्टूडेंट्स को कोई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पढ़ाई के लिए देते हैं, कोई मोबाइल ऐप हमने डेवलप किया है, या तो हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू उन्हें लाइब्रेरी को एक्सेस किया जा सकता है, उन्हें हमारे डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है, या तो उनके लेक्चर्स हैं जो लिखे हुए लेक्चर्स होते हैं, हैंडबुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल की जा सकती है। इसमें एक पॉइंट हमें ये मेंशन करना होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं मेजॉरिटी फॉरेन में जाने वाले, वो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की स्टडीज़ में पीछे हैं, थोड़ा हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये देखना है कि स्टडीज़ के साथ साथ जो प्रोसेसिंग है एडमिशन की, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एडमिशन की प्रोसेसिंग है, कई यूनिवर्सिटीज़ की है जो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लेती है, वेरिफिकेशंस है उसमें, ट्रांसलेशंस है उसमें, इमिग्रेशन की प्रोसेस लंबी होती है, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको हेल्प करते हैं ये एडमिशन की प्रोसेस कट डाउन करने में, मतलब नॉट नेसेसरी कि वो आपके वेरिफिकेशन नहीं करेंगे या तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बाईपास कर देंगे, बट इसको स्पीड अप प्रोसेस करेंगे। इसका एक फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपके जो पोस्टपोन किए हुए एग्ज़ाम्स है, नीट है, एम अपना जेई है या तो सीईटी है, जो कोई भी एग्ज़ाम्स है, ये पोस्टपोन हो गए हैं, इसके बाद जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, तो यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है कि ये आपको कम से कम समय में एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करके दें, आपको एडमिशन लेटर अवेलेबल करके दें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लोन
के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़रूरत होती है और फिर उसकी भी बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो इसलिए एडमिशन की प्रोसेस कट डाउन करना, शॉर्टन करना या तो उसको थोड़ा फास्टर करना ये बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अभी एग्ज़ाम की बात निकली है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये भी देखनी चाहिए कि ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स के मामले में उनके जो रूल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स कर रहे हैं या तो सस्पेंड कर रहे हैं सिर्फ यही एक सिचुएशन के लिए, पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है, जैसे अपने यहाँ की नीट है या तो फिर टोफल है, आईलेट्स है, तो ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने रूल्स थोड़े रिलैक्स कर रहे हैं या तो सस्पेंड कर रहे हैं ताकि आपकी प्रोसेस फास्टर होती है। ये एग्ज़ाम्स जो हैं उनके अगर इंटरनल से एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए ऑलमोस्ट एक महीना एक्स्ट्रा हमारा टाइम जा सकता है, तो इसमें हमारा टाइम बचता है, एडमिशन प्रोसेस भी फास्टर होती है और आपके चांसेस भी ब्रॉडन हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो हमने एक्चुअली पिछली बार भी डिस्कस किया था, सिक्योरिटी वाइज, जो मतलब सिक्योरिटी सिर्फ अपने हेल्थ की नहीं है, आइसोलेशन की नहीं है, स्टडीज़ की नहीं है, एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए। पोस्ट कोविड जो एंटिसिपेटेड रिसेशन है उसमें किस कंट्री का या किस यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, एट द सेम टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सी कंट्री है जिन्होंने कोविड का जो पीरियड था उसके अंदर परफॉर्म कैसे किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का ख्याल कैसे रखा, उन्होंने उनके फीस के बारे में क्या क्या रिलैक्सेशन दे दिए या तो बेनिफिट्स दे दिए, सपोर्ट दे दिया, जैसे कि इंस्टॉलमेंट में फ़ीस होती है, अगर आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट अगर लेट पे कर देंगे तो उसके ऊपर फ़ाइन नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट अगर दो है तो दो से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट आपको ऑफ़र किए जाएंगे, फ़ी स्टेबिलिटी का आपको प्रॉमिस किया जाएगा, मतलब जो फ़ीस हमने दी है वही फ़ीस आपको पे करनी है, कोई रिसेशन आए या तो कुछ भी हो जाए आपको फ़ी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सिक्योरिटी जो या तो सपोर्ट क्या कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मिलता है वो है वीज़ा सपोर्ट। इसका मतलब वो यूनिवर्सिटी आपको अपनी तरफ से अश्योर करती है कि हमारे एडमिशन के ऊपर आपको वीज़ा मिलने की गारंटी अच्छी है, आपको वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। सो जहां इमिग्रेशन के और वीज़ा के रूल स्ट्रिक्ट होने का हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसके ऊपर यूनिवर्सिटी आपको अगर ऐसा कोई सपोर्टिंग कवरिंग लेटर देती है या तो रीअश्योरेंस देती है या तो उनके वीज़ा की उनकी उतनी वैल्यू है तो हमें वैसी यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्ट करना है या तो यूनिवर्सिटीज़ को अपनी तरफ से ये आपको अश्योर करना है। सो उनका पोस्ट कोविड-19 जो पीरियड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। सो आपके बच्चे के सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं उसके इमिग्रेशन के बारे में भी आप काफ़ी रिलैक्स रह सकते हैं। इसी के साथ हम अपना ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए, कोई क्या नई फैसिलिटीज़ और स्कीम्स होनी चाहिए, उसी तरीके से श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या सपोर्ट करेंगे, क्या बेनिफिट्स देंगे और उनके क्या प्रोमिसेस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।